मऊ के थाना कोपागंज क्षेत्र के बरसारपुर गांव में सन की पति के कारनामे की चर्चा चारों तरफ हो रही है। पत्नी के खौफ में सन की पति ने कुछ ऐसा किया जिससे पुलिस के भी पसीने छूट गए। अब चुनौती थी, एक इंसान था और आदमखोर जानवरों की तरह पकड़ने वाला जाल था। देखिए रिपोर्ट। पत्नी की पिटाई का डर, ताड़ के पेड़ को बनाया घर। तीता सवार पति की हरकत से मचा हाहाकार। सन की पति के लिए बुना माया जाल, नहीं समझ पाया पुलिस की चाल। ताड़ पर पति लटका, पुलिस के जाल में अटका। पेड़ पर लटके पति की घर वापसी। बहू में एक पति को पत्नी का ऐसा खौफ सवार हुआ कि उसने ताड़ के पेड़ को अपना ठिकाना बना लिया। उसके बाद सन की पति को पेड़ से नीचे उतारना प्रशासन के लिए चुनौती बन गया। बमुश्किल सन की पति को नीचे उतारा गया। देखिए रिपोर्ट। पत्नी का डर सिर पर ऐसा सवार हुआ कि एक पति ने 100 फीट ऊंचे ताड़ के पेड़ पर तंबू गाड़ लिया। पति की इस हरकत से हर कोई हैरान रह गया। मामला मऊ के थाना कोपागंज के गांव बसारतपुर का है, जहां राम प्रवेश नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी की पिटाई से इतना खौफ ज़दा हो गया कि उसने ताड़ के पेड़ को ही बसेरा बना लिया था। सन की पति के कारनामे ने सबको मुश्किल में डाल दिया था, जिसे एक महीने बाद प्रशासन ने एक माया जाल बनाकर नीचे उतार दिया। ताड़ के पेड़ के पास खड़े दूसरे पेड़ों के सहारे पहले सन की पति के आशियाने को तोड़ा गया, फिर डंडों से उसे खदेड़ना पड़ा। एक आदमी लकड़ी पर चढ़ा था ताड़ पर, उसे उतारने के लिए। तो नहीं उतर नहीं रहा था क्या? नहीं उतर रहा था। कितने दिन से आदमी लोग परेशान हुए था, हम लोग को बुलाया गया थाने से, तो हम लोग आए। आदमी थे पेड़ पे चढ़े थे, उन्हीं के लिए हम लोग थाना कोपागंज से सूचना मिली थी। लकड़ी चाह हम दोनों आदमी आए थे और चारों ओर जैसे लगा के हमने क्या लगाए थे आप लोग ने? जाल लगाए थे। सन की पति से पहले तो उतरने की गुजारिश की गई, लेकिन उसके ना मानने पर पुलिस को प्लान बनाना पड़ा। नीचे पुलिस की टीम जाल बिछाकर तैनात रही। दूसरे युवक पेड़ पर चढ़े हुए थे, तभी अचानक पेड़ से गिरता हुआ सन की पति जाल पर आ गया। दरअसल पेड़ पर चढ़े सन की का दावा था कि पत्नी की पिटाई के डर से वो पेड़ पर रहने लगा था। मार के डरन हम पेड़ पर चढ़ल रहे। कितना दिन चढ़ल रहा? एक महीना। 15 दिन लगभग। एक महीना आज कैसे उतर ला? लग्गी से खोद के गिराव ले लो। पेड़ पर रहकर सन की पति बीमार हो चुका था। उसे बुखार और कमजोरी का शिकार होना पड़ा। नीचे उतारे जाने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। उसको वीकनेस है, फीवर भी था, बाकी हिस्ट्री में पता चला है कि तरकू के पेड़ पे चढ़ा था, वहाँ से उसको उतार के लाए हैं, एम्बुलेंस से आया है, उसको हम एडमिट कर लिए हैं, इलाज चल रहा है, कंडीशन नॉर्मल है फिलहाल। चौंकाने वाली बात यह है कि कोई पति अपनी पत्नी से इतना खौफ ज़दा हो जाएगा कि ऐसा कदम उठा लेगा। ये दुनिया को हैरान करने वाला कदम है। ऐसा ही कारनामा कर इस सन की पति की चर्चा चारों तरफ हो रही है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।